बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, जिए भुट्टो। मैं आसफा भुट्टो सरदारी आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैं बेटी हूँ बेनजीर की, और बेनजीर गरीब की आवाज थी, मजदूर की आवाज थी, तलबा की आवाज थी, औरतों की आवाज थी, और पाकिस्तान की आवाज थी। अब बिलावल आपकी आवाज है, अब मैं आपकी आवाज हूँ, और ना कभी मेरा भाई बिलावल भुट्टो सरदारी खामोश रहेगा, और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। हम अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, और आपके हकूक के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। जैसे आपको पता है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो औरतों के हक के लिए लड़ती थी। चाहे आपकी हिफाजत के लिए खवातीन पुलिस स्टेशन हो, या आपकी और आपके बच्चों के सेहत के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स, या आपके खुद मुख्तारी के लिए फर्स्ट वुमेन्स बैंक, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने औरतों की जिंदगी बेहतर बनाई, मगर फिर शहीद बीबी हमसे छीन ली गए। उनका अलम फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उठाया, और BISP की कार्ड से गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाई। हम जानते हैं कि जब पैसा घर की औरत को मिले, तो वो बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ खर्च करे। मुझे याद है BISP की बेनिफिशरी जिनकी बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हुआ। BISP प्रोग्राम के तहत वजीफा वसूल करने वाली एक खातून जो खुद गैर तालीम याफ्ता थी, BISP के जरिए अपनी बेटी को पढ़ाया और एक डॉक्टर बनाया। आज वो और उनकी बेटी माली तौर पर बाख्तियार है, और दूसरी की खिदमत कर रही है। दूसरी सियासी जमातों सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं, और गरीबों को और गरीब। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं, उनको सिर्फ इक्तदार की लालच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम का सोचती है, हमने हमेशा गरीब और मजलूम के साथ दिया है। जब शहीद बीबी वजीर आजम थी, तो हर कैबिनेट की मीटिंग में उनका पहला एजेंडा हमेशा आवाम की जिंदगी आसान करने था। मेरे भाई बिलावल भुट्टो सरदारी ये वादा करते हैं कि जब इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा, उसका भी हमेशा पहला एजेंडा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। वो आपके लिए बोलेगा, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। हमारे पास एक आवाम दोस्त मंशूर है, एक गरीब दोस्त मंशूर है, जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाएगी। हम वादा करते हैं कि हम आपका तनख्वाह दुगनी करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको मुफ्त और मयारी इलाज देंगे, और आपके बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। हम दिल की बीमारी के लिए सांगर में NICVD बनाना चाहते हैं। हम वादा करते हैं गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको मजदूर कार्ड, किसान कार्ड और यूथ कार्ड देंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 30 लाख घर बनाएंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे, और लोगों को मालिकाना हकूक देंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अब आप अपना वादा करना है, वादा करो 8 फरवरी को आप सुबह उठकर तीर पे मोहर लगाए बिलावल भुट्टो सरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है, और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे, तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेंगे। और जब हम मिलकर काम करेंगे, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। 8 फरवरी को
तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हकूक के लिए लड़ सके। आपके साथ शुक्रिया। जिए भुट्टो। आप नारा लगाए, भुट्टो का निशान क्या? बीबी का निशान क्या? तीर। बहादुरों का निशान क्या? तीर। मजदूर का निशान क्या? तीर। किसान का निशान क्या? तीर। गरीब का निशान क्या? तीर। तलबा का निशान क्या? तीर। बिलावल का निशान क्या? तीर। बख्तावर का निशान क्या? तीर। मेरे निशान क्या? तीर। आपका निशान क्या? तीर। सांगर का निशान क्या? तीर। इंशाल्लाह। शाजिया मरी का निशान क्या? अली हसन का निशान क्या? जाम शाबर अली खान का निशान क्या? इंशाल्लाह।